आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पंखीजा डेयरी फार्म में। और जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि अच्छे वीडियो आप सभी किसान भाइयों तक सबसे पहले उस पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज बुधवार का दिन और आज हम आए हैं आष्टा की पशु मंडी, जो कि बुधवार के दिन लगती है भोपाल नाके पर। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ किसी किसान भाई के पास में और जरा मंडी का व्यू बताता हूँ। मंडी अभी थोड़ी कम लग रही है, फसल का टाइम है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ पशु दिखाने की। एक ये जो रेंडी गाय है ये काफी अच्छी दिखाई दे रही है, इसकी बात करते हैं। थोड़ी आगे खींचना यार भैया, ग्यावन है क्या भैया ये? हाँ ग्यावन है भैया। कितनी देर है अभी इसमें? ये आजकल में जन जाएगी। अच्छा, और कौन से ब्याह में? दूसरा दिन की। दूसरे ब्याह में? तो कीमत कितनी इसकी? कीमत इसका 60,000 रुपए का। और देने की फाइनल? फाइनल 55,000। 55,000। और दूध कितना निकाल देगी लगभग? ये पिलास पे 7-7 लीटर लगी हुई है, 8 लीटर दे देगी। अच्छा, तो गारंटी कितने की रहेगी? गारंटी 7 लीटर। 7 लीटर की गारंटी रहेगी। देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, सेकंड ब्याज बता रहे, बाकी मेरे को थर्ड की लग रही है यार। नहीं नहीं सेकंड है, दांत में तो पूरा तो हुई होगी अभी, 6 दांत। क्या बात कर रहे हो, लगी अभी तो देख सकते हैं आप, अभी हील लगी हुई और 6 दांत में बता रहे हैं राशिद भाई। और ग्यावन ने अभी 7-7 लीटर की गारंटी ले रहे हैं। तो जिस भी किसान भाई को चाहिए तो इस टाइप की गायें यहाँ पर 55,000 रुपए के आसपास, 60,000 के आसपास मिल जाती है। गावन है ये भी? हाँ ये भी गावन। कितने दिन की दे रही है इसमें? भाई साहब वाली भी ग्यावन है क्या? हाँ ग्यावन है भैया। तो ये कितने दिन की देर उसमें? इसमें भी दो चार दिन की देर है उसमें। उसकी कीमत? उसके 50,000। 50,000 फाइनल ही है क्या? नहीं फाइनल नहीं, 45। 45। और दूध? दूध दूध वो सेकंड में जानेगी, 7-7 लीटर लगेगी वो भी। 7-7 लीटर जी। बहुत बढ़िया। तो कीमत 45 से कम नहीं हो, 40 नहीं हो? 45 और 1,000 रुपये आपके लिए ऐसा। चलो ठीक है, तो देख सकते हैं आप। भाई साहब कैसे हो? भैया नमस्कार भाई साहब। और इधर कुछ इस टाइप की भी गायें दिखेगी। कितने दिन की जनी हुई है ये? ये 12 रोज की। नीचे क्या है इसके? केड़ा है। दूध? दूध 18 किलो दूध है। अभी तैयार कितना है? तैयार है। कीमत? उधर से फेरो यूं करके। ये बच्चा कितने दिन का बता रहा हूँ? ये 12-15। अच्छा, केड़ा केड़ी? अच्छा कौन सा गाय मनवा रही है? 500 गाय। अरे 1 रुपए से कर लो आप। ये लेवाल है कि नहीं? लेवाल है। फिर तू कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं ये लेवाल है कि नहीं? अरे लेवाल है। पैसे नगद नहीं हूँ जेब में, पैसे क्या है भैया? थोड़ी अच्छी ले या मत, तेरा माल है। मैं करूँ बात? करो ना। वो तो 1 रुपए की नहीं बोलेंगे। गैया दे
ये 45,000 रूपए, अरे 52,000 रूपए लग रहा है। मेरी बात नहीं, मैं वो बात 52,000 रूपए लग रहा है चाचा, मैं वो बात नहीं करता हूँ। लगाने में तो फिर क्या बात खड़ा, नहीं उसकी माँ तुमने जो किया था सामने वाले, मैं आपको जो परंपरा वो निभा करना पड़ेगा। आपसे परिचित हुए बाबू दादा तो वो 1,000 रूपए की बात नहीं चलेगी, जैसे की चल, लेकिन मेरा और आपका कोई संपर्क भी ले लेंगे। मेरी बात सुन, तू दे ये मत दे, मैं वो वाली बात 52,000 50 से भीतर बावन तो लग रहा है, मैं तो जो बात है 52,000 लग रहा है। देखो ऐसे ऐसे हाथ में रख दिए मेरे को 52,000 के नीचे। चलो ठीक है साहब, आप बता दो क्या कर रहा हूँ। एक मिनट आया बेटा, बोलो इनके लिए फाइनल। बिल्कुल तुम चुनो भेज दो गाड़ी कर लो, जब ऐसा संबंध है अपने तो 1 रुपए की भेज दो। कितने की मांगी, 45 की मांगी, 40 की भेज दो शादी खुल। वो भाई भाई थोड़ी करेंगे यार, सुनो मैं तो 45 कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो 40 ही। चलो ठीक है, आप 30 को और कोई दिक्कत नहीं, आओ बुरी मानने की बात थोड़ी नहीं, कोई बुरी, अरे बाजार है, आप 1 रुपए की मांगो कोई दिक्कत नहीं। अरे दे दो यार, सुबह सुबह का आओ लो ब्रो, 45 की जो है कहां से आ 45 तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई। ये जो गाय की अभी बात चल रही थी तो अभी लगे थे इसके पैसे, लेकिन राशिद भाई ने मना कर दिया, मना कर दिया इन्होंने। तो इस टाइप से बार्गेनिंग करना पड़ती है थोड़ी बहुत। तो इधर से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा, जरा देखें। इसका क्या भाई, इसके 85,000 रूपए और देने की, देने के पैसे कैसे हो भाई? ग्यावन है अभी, अभी 10 दिन का टाइम बचा देना, 10 दिन बचे हैं अभी, 10 दिन का टाइम बचा देना। फाइनल बताओ पैसे, फाइनल 80,000। 80 65 में हो जाएगी, नहीं होगी 70 में, 75,000 की होगी, 75 की होगी। तो देख सकते हैं आप, जिस भी किसान भाई को खरीदनी हो तो इस टाइप की गायें 75,000 28 एक टाइम का 25+ तो कैसे भी रहेगा इसका। काफी बड़ी और काफी लंबी ऊंची गाय, अर्डर क्वालिटी भी शानदार, अभी कम से कम भी तो कच्ची है, 10 से 12 दिन लग जाएंगे इसको जन्ने में। तो चौदह लीटर की बोल रहे हैं, 25+ की, वो जन्ने के बाद ही थोड़ा पता चलेगा कि कितने प्राइस तक ये बिक सकती है। इसके कितने पैसे? इसके मांग रहा 75,000 रूपए, 75 और 51 है अभी, अभी 51 है अभी, 10 दिन का टाइम है भाई, अपना जरा घड़ी रहने दो। फाइनल कीमत कितनी इसकी लग जाएंगे? फाइनल कीमत 65,000 रूपए, 65,000 रूपए। ब्याज में कौन से? दूसरा ब्याज दे आएगी, दांत में 4 दांत है अभी, 4 दांत दूसरे ब्याज की है। और लगभग दूध कितना लगा देगी अनुमान? पहले ब्याज में 14 लीटर का रिकॉर्ड रहा है, 7-7, तो मतलब ये समझ लो कि 7 तो मिनिमम कम से कम देगी देगी, बाकी ऊपर जो भी दे दे। तीस लीटर हाँ जी, क्या बने क्या ये भी? और कीमत कितनी इसकी? कीमत इसके 85,000 रूपए, 85,000 30 लीटर। ब्यात में? तीसरा ब्यात की है, थोड़ा सा अडर झुलवा बस यार इसका है। हाँ तो जिस भी किसान भाई को इस टाइप की गायें खरीदनी हो तो यहाँ पर आके संपर्क कर सकता है। आष्टा मंडी जो कि बुधवार के दिन लगती है भोपाल नाके पे। और याली जनी हुई है क्या? ये दो दांत बची है, दो दांत में, पहला दांत में जनी है ना? कितना दूध अभी इसके नीचे?
दूध कितना? 14 लीटर दूध तैयार है अभी। 14 तैयार है। नीचे क्या बछड़ा बछड़ी बेटा गाड़ी बच्चिया? बच्चा कौन सा इसका? ये व्यक्ति काफी दिनों से गायब है, गायब है बहुत दिनों से, मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा आजकल। क्या करेंगे मार्केट में गायब होंगे? अच्छा ऐसा क्या? अभी कुछ भी नहीं लाए? जी बच गई है, दो एक गाय जन गई क्या? ये जन गई। क्या है नीचे पैसा? इसे भैया 45,000 रुपए। अभी कितना चीका लग रही? अच्छा पैसे फाइनल 40 जो आपके समझ में आए बेहतर लगा आपकी। हाँ थोड़ी खोल के आज्ञा करें। भैया जी नमस्कार, हमारा भाई साहब की बना लीजिए प्लीज। ये सुजालपुर से आए हैं मंजू भैया सिसोदिया। और क्या भाई कैसे हो? छोटी बड़ी में तो माल जाए। बच्चे कान देखो कितने नकल की। कितने क्या पैसे भाई? माथे बढ़कर बेटी है मांग पैसा देने की बात है। 45 कितने दिन की जानी है? ये भी 4-5 दिन की जानी है। गिर गेड़ी नीचे। कौन से ब्याज की? ये ब्याज है तीसरे दूसरे दूसरे में। भैया गेड़ी को देखो दूध 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 इसके नीचे 5 लीटर 6 लीटर है दूध तो ही पक्का उसके नीचे। इसकी कीमत और ये नीचे गिर गेड़ी है और इधर ये किसानों की गायें सभी दूर इधर के एरिया में जो दिखाई दे रही है सब किसानों की है। और उधर पीछे की तरफ रोड आ गया है जो कि भोपाल चले गया है एक रोड और एक मार्केट में चले गया है। तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।